नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और 6 चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। एक चरण का मतदान बचा है जिसमें देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी भी शामिल है। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी यहां से जीतकर संसद में पहुंचे और फिर देश की कुर्सी तक। तीसरी बार भी मोदी यहीं से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। बीजेपी की सारी मशीनरी इस वक्त मोदी की जीत को बड़ी जीत बनाने में जुटी है। इस मशीनरी में दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी वाराणसी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार करते करते वाराणसी में मनोज तिवारी को एक महिला द्वारा बंधक बना लिया जाता है, अपने घर में बिठा लिया जाता है। इस पूरी घटना का वीडियो खुद मनोज तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। पहले आप ये मजेदार वीडियो देखिए। अरे मनोज तिवारी का गाना है जो होगी का गाना बनाया तुम्हारे दुकान का, दुकान के अंदर बैठे दुकान के अंदर बैठे मनोज तिवारी जो आपको गाना बनाते आपको फोटो दिया था होगी पर। अरे हीरो जो बैठे हैं गाना बनाने सांसद जी मनोज तिवारी सांसद जी जल्दी आओ हम आपके दुकान में अंदर उनका दर्शन करो। सांसद जी आए हुए हैं। हाँ बेटा बस आ गया यार, हमने तो अभी बना रहे हैं तो तुम लोग समय दीजिए आपको बेटा। हेलो अरे मनोज तिवारी सर आए जो होगी का गाना बनाया तुम्हारे दुकान का, दुकान के अंदर बैठे दुकान के अंदर बैठे मनोज तिवारी जो आपको गाना बनाते आपको फोटो दिया था हम लोग होगी पर। अरे हीरो जो बैठे हैं गाना बनाने सांसद जी सांसद जी मनोज तिवारी सांसद जी आए जल्दी आओ हम आपके दुकान में अंदर उनका दर्शन करो। सांसद जी आए हुए हैं। हाँ बेटा दीजिए कह दीजिए तो आपको पीना अब बहन भाई का संबंध बन गया। सोचिए बहन भाई का संबंध बन गया आपका भाग गया है अब हम क्या आ गया घर का यही दुकान पर था इनका आशीर्वाद हुए हैं हम पहचान गए इसको तो गले मिला हमको आशीर्वाद लिए मिली है गले कहाँ गए सुमित बस 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 ये बार मोदी जी की और ज्यादा वोट से जिताएंगे दीदी खातिर हम पूरा देश में हुकूमत करेंगे बस भैया हम वो हम लोग के सांसद बना देंगे। महिला ने सांसद को अपने बेटे से मिलवाने के लिए अपने घर में बिठा लिया और तब तक बैठाए रखा जब तक कि उसका बेटा घर पर आ नहीं गया। मनोज तिवारी ने भी महिला का मान रखा और बैठे रहे। जब महिला ने सांसद को बंधक बनाया तब दोनों का रिश्ता एक सांसद और एक महिला का था, लेकिन जब वो इस महिला के घर से निकले तब दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता बन चुका था। वैसे मनोज तिवारी जिस अंदाज में वाराणसी में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं उसे देखकर नहीं लग रहा कि वो एक सांसद है, लग रहा है मानो कब से इन्हीं लोगों के बीच रहते आए हों। इस घटना के बाद जब सांसद वाराणसी की सड़कों पर निकले तो एक चाय की टपरी दिखाई दी जहां रुककर लोगों से बात भी की और चाय की चुस्की का आनंद भी लिया। देखिए ये वीडियो कैसे मनोज तिवारी चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं और साथ ही बताइएगा कि आपको मनोज तिवारी का मोदी के गढ़ में प्रचार करने का तरीका कैसा लगा। नमस्कार। हाँ यहाँ घर वर्ग
पकौड़ी भैया पकौड़ी तक अच्छा लगा पकौड़ी आई है हम लोग अपने थोड़ा इधर आओ देखा बनारस का पकौड़ी है बनारस का नमस्ते जी लस्सी अब तो भीड़ हो जाएगी अरे इधर से जा रहे बिगाड़ी जेकर बिगाड़ी जी आ गए देखिए आ गए भैया दीदी आ गया है वो खींच लिया भैया हमारा ध्यान रखे 144 पहाड़े पर हरियाणा बोल रहा था